बबीता राज मैं बबीता फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो खुश हो स्वस्थ हो और अपनी लाइफ में मस्त हो तो आज फिर आप लोग के लिए एक नई रेमेडी लेके आई हूँ कि सर्दियों में आपकी स्किन सॉफ्ट स्मूथ लाइट ब्राइट स्पॉटलेस हो जी हाँ तो आज एक ऐसी क्रीम आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो नाइट क्रीम का भी काम करेगा कोल्ड क्रीम का भी काम करेगा डे क्रीम का भी काम करेगा और आपकी स्किन को फेयर करने का स्पॉटलेस करने का स्किन की एंटी एजिंग प्रॉब्लम को दूर करने का भी काम करेगा जी हाँ आज की जो क्रीम है आज की जो रेमेडी है ना ए टू जेड स्किन प्रॉब्लम को दूर करेगा आपकी स्किन को सिर्फ सॉफ्ट स्मूथ ही नहीं बनाएगा आपकी स्किन को टाइट भी करेगा जी हाँ जिससे आपकी एज का पता ही नहीं चलेगा सर्दियों में आपकी स्किन मलाई जैसी हो जाएगी फटने का नाम ही नहीं लेगी तो फ्रेंड्स सबसे अच्छी खूबी इस क्रीम की यह है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये क्रीम हर मौसम में आपके स्किन पे काम करेगी हर मौसम में आप इस क्रीम को लगा सकते हो और आपकी स्किन ऑयली है तो सर्दियों में आप इसे लगाइए डे में लगाइए नाइट में लगाइए जब जी चाहे तब लगाइए ठीक है और इस क्रीम को आप टीन में तो भी लगा सकते हो आप गर्ल्स हो बॉयज हो सभी लगा सकते हैं इस क्रीम को आप बना के स्टोर कर सकते हो वन वीक के लिए और ये क्रीम आपकी स्किन को हेल्दी रखेगी जी हाँ जिससे आपकी एज का पता ही नहीं चलेगा आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो करेगी तो चलिए फटाफट देख लेते इस क्रीम को किस तरीके से बनाएंगे और सर्दियों में शुष्क हवाओं से अपनी स्किन का केयर कैसे करेंगे तो फ्रेंड्स क्रीम बनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज लाइक कर लीजिएगा और जो तो चलिए फ्रेंड्स इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बादाम और यहाँ पे आप इस क्रीम को वन वीक के लिए बना के स्टोर कर सकते हो क्वांटिटी आप देख लीजिएगा कितने लोगों के लिए बनाना है तो मैंने यहाँ दस से बारह बादाम लिए हैं और ये क्रीम मैं और मेरी बेटी लगाएगी तो वन वीक चलेगी ये क्रीम ठीक है बादाम के फ़ायदे तो आप सभी जानते हो हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये बादाम उसी तरीके से बादाम हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है चमकदार बनाता है और हमारे स्किन से जो झूरियाँ रिंकल्स फाइन लाइन्स है उसे दूर भगाता है मॉइस्चराइजर का काम करता है ठीक है तो आपको क्या करना है बादाम में इतना पानी डालना है ये पूरी तरह से डूब जाए पूरी रात इसे रखना है सुबह आप देखोगे कि आपके बादाम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं छिलके बड़ी आसानी से निकल जाएंगे तो आपको इसके छिलके हटा लेने हैं ठीक है और इस क्रीम से आपकी स्किन पे जो स्पॉट्स हैं वो भी दूर होगी छाइयाँ हैं वो भी दूर होगी और साथ ही आपकी स्किन पे एक ऐसा ग्लो एक चमक आने वाली है ना कि सब आपसे पूछेंगे कि आजकल आप कौन सा कोल्ड लगा कौन क्रीम लगा रहे हो कौन सी नाइट क्रीम लगा रहे हो सर्दियों में हमें भी बताइए तो चलिए यहाँ पर मैंने सारे छिलके हटा दिए हैं इस तरीके से आपको सारे छिलके हटा लेने हैं उसके बाद आपको क्या करना है इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाना है जैसे भी आप बनाना चाहो सिलबट्टे पे आप बना सकते हो या मिक्सर में आप इसे डालिए ग्राइंडर में और इसका फाइन सा पेस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे रोज वाटर डालना होगा अभी मैं यहाँ पे थ्री स्पून रोज वाटर डालूंगी और पानी का यूज आपको नहीं करना है ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी थ्री स्पून रोज वाटर डाल रही हूँ और पीसते वक्त मैं और भी उसमें डालूँगी और देखूंगी कि अच्छे से फाइन पाउडर बन जाएगा ठीक है उस तरीके से मैं यहाँ रोज वाटर डालूंगी तो यहाँ पर देखिए पेस्ट हमारा बहुत अच्छे से बन गया है फाइन सा पेस्ट हो बन चुका है मतलब पिस चुका है और यहाँ पे मैंने कम से कम आठ बड़े चम्मच रोज वाटर डाले थे पिसते वक्त भी मैंने डाला था इस तरीके से आप बिल्कुल थिक सा पेस्ट बना लेना है गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है आपको ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन चुका है अब इस क्रीम को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउल में ट्रांसफ़र करना होगा और फ्रेंड्स इस बादाम पेस्ट से आप स्किन टोनर भी बना सकते हो सीरम भी बना सकते हो और स्क्रब भी बना सकते हो तो जल्दी आप लोग के लिए वीडियो में लेकर के आने वाली हूँ आज तो मैं आप लोग के साथ क्रीमी शेयर कर रही हूँ इस बादाम पेस्ट को हम एक साइड में रख लेते हैं और एक छोटा सा मैंने यहाँ पे बाउल लिया है और इस बाउल में मैं टू स्पून लूँगी रोज वाटर और इसमें मैं जो ऐड करने जा रही हूँ जो हमारी रंगत को फेयर करता है हमारे कलर को फेयर करता है साथ ही हमारी स्किन से हर तरह के स्पॉट्स को दूर करता है हमारी रंगत को निखारता है हमारी स्किन को ठीक है तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ केसर ये केसर कश्मीरी जो स्किन होती है कश्मीर के लोग केसर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने खाने में अपनी स्किन पे भी और उनकी स्किन पे एक चमक तो होती है गुलाबी निखार भी रहता है आपने सुना होगा कि जब बच्चा होने वाला होता है तो माँ क्या करती है दूध में केसर डाल के मिक्स करके पीती है हमारा होने वाला बच्चे की स्किन बहुत अच्छी हो हमारा बच्चा भी बहुत क्यूट हो उसका कलर फेयर हो तो आप सब इसके फायदे तो जान नहीं रहे हो तो यहाँ पे रोज वाटर में मैंने पूरा केसर डाल दिया है ये ये कम से कम 10 से 12 जैसे होंगे और इसे एक घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी जब केसर अपना कलर छोड़ देगा फिर मैं इस क्रीम में से ऐड कर लूँगी तो चलिए फ्रेंड्स जब तक केसर रोज वाटर में अपना कलर छोड़ रहा है तब तक हम इस क्रीम में और चीज़ें ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं थ्री स्पून ले रही हूँ एलोवेरा जेल और अभी मैं थ्री स्पून ही डालूंगी लास्ट में मैं बताऊंगी इसमें और ऐड करना है या नहीं ठीक है ये बनाते वक्त ही आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी क्रीम कितनी थिक रखनी है और कितनी लिक्विड में रखनी है आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हो बट आप फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लोगे आप मार्केट का ही लोगे और इसे डाल के आपको अच्छे से मिक्स करना है मिक्सिंग आपको बहुत अच्छे से करना है एलोवेरा जेल के फ़ायदे भी आप जानते हो हमारी स्किन टोन को लाइट करता है एंटी एजिंग तरह हमारी स्किन पे काम करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है अब इसके बाद हम जो यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि ये कोल्ड क्रीम बन रही है तो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा ऑयल कोई सा भी फेशियल ऑयल आप ले सकते हो बट आप जब बादाम की क्रीम बना रहे हो और इसमें आप हेलमेंट ऑयल डालोगे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे आप सभी जानते हो बादाम में विटामिन ई e पाया जाता है जो हमारे स्किन को हेल्दी रखता है हमारे स्किन को टाइट रखता है हर तरह के स्पोर्ट्स को दूर करता है ठीक है तो यहाँ पे मैंने वन स्पून डाला है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको टू स्पून लेना है और इसे डाल के अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है ये क्रीम जादू करने वाली है सर्दियों में क्योंकि आलमंड ऑयल सर्दियों में हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाता है तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे वो लेंगे केशर जो रोज वाटर में मैंने मिक्स किया था उसे डाल के अच्छे से मैंने यहाँ पे देखिए मिक्स कर लिया है और हमारी क्रीम जो है क्रीम जैसी हो गई है क्रीमी हो गई है आप डालना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है नहीं डालना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर देना ठीक है अब यहाँ मैं जो ऐड करने जा रही हूँ वो ले रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे 20 से 25 30 रुपए में मिल जाएगा बढ़िया आसानी से और ये कैप्सूल हमारे स्किन से स्पॉट्स ही नहीं हटाता है बल्कि हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है हमारे स्किन को हील करता है हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को भी दूर करता है तो आपको तीन मिटन ही कैप्सूल लेने हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पे चार से पाँच कैप्सूल ले सकते हो इसे डाल के अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है मिक्सिंग आपको बहुत अच्छे से करना है आप यहाँ पे हाफ़ स्पून ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो चलिए इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए मिक्स करने के बाद ये क्रीम मेरी थोड़ी लिक्विड में है तो मैं यहाँ वन स्पून एलोवेरा जेल फिर से मिक्स करती हूँ और इसे डालते ही मेरी क्रीम थोड़ी थिक हो जाएगी आपको जितना थिक रखना है आप एलोवेरा जेल और भी ले सकते हो ये आपके ऊपर है तो ये देखिए हमारी क्रीम बन के रेडी हो चुकी है अब इसे स्टोर किस तरीके से करना है स्टोर करने के लिए कांच का ही कोई भी क्रीम की आप डिब्बी ले सकते हो ये कांच में ही आपको इसे स्टोर करना है प्लास्टिक में स्टील में आपको नहीं और एयर टाइट होना चाहिए हवा नहीं लगना चाहिए और सर्दियों का मौसम है तो आप रूम टेम्परेचर पर इसे रखिएगा गर्मियों में आप इसे यूज करते हो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे फ्रिज में रखिएगा दिन में दो से तीन बार आप इस क्रीम को लगा सकते हो और किस तरीके से आपकी डेड स्किन निकलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो क्रीम लगाने के पहले आपको रात में या दिन में जब भी आप लगा रहे हो फेस को अच्छे से क्लीन करना है फ़ेस वाश करना है कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए और आपको इस क्रीम को लेकर के पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करना है ठीक है अगर आपकी स्किन पे डेड स्किन जमा है तो ये आपकी सारी डेड स्किन भी निकालेगा और मैल को भी निकालेगा किस तरीके से आप मसाज करते रहना ठीक है मसाज करते करते धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी स्किन से मैल निकल रही है आपकी स्किन से जो क्रीम के साथ निकलेगी ना चीज़ें वो मैल होगी डेड स्किन होगी उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाएगी सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी स्किन पे एक चमक आने लगेगी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जैसे आप कह सकते हो मलाई जैसे उस तरीके से आपकी स्किन होने वाली है इसके बाद आप कोई भी क्रीम लगा सकते हो जो नाइट में यूज करते हो वैसे कोई क्रीम लगाने की जरूरत ही नहीं है ये देखिए और हमारी स्किन सर्दियों में चमकेगी चलती हूँ फिर मिलती हूँ